ओके गाइस, ये है ओप्पो रेनो 3 प्रो। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको इसका एक कैमरा रिव्यू देने वाला हूँ। करेंगे हम रियल लाइफ टेस्टिंग यहाँ पर इंडोर लाइटिंग कंडीशन में, आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में और साथ में लो लाइट कंडीशन में। चलिए इसके कैमरा टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ओप्पो क्लेम करता है कि ये एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर टेस्ट करना तो बनता है। चलिए यहाँ पर इसके हम कैमरा को टेस्ट करते हैं एक एक करके। तो इस फोन के रियर कैमरे में यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम 64 मेगापिक्सल सैंपल को टेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं कुछ पिक्चर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 64 मेगापिक्सल मोड से क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं ये 64 मेगापिक्सल से क्लिक की गई है। और यहाँ पर हम जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर ओवरऑल इमेज में। इवन यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो क्लाउड है वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर कह सकते हैं ये 64 मेगापिक्सल में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे बेटर डिटेलिंग के साथ, बेटर कलर रिप्रोडक्शन के साथ यहाँ पर आपको शॉट्स देखने को मिलते हैं। ये जो शॉट था दोस्तों आपने 64 मेगापिक्सल से देखा। चलिए अब यहाँ पर आपको इस फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा एचडी ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप पिक्सल बिनिंग की मदद से 108 मेगापिक्सल शॉट भी क्लिक कर सकते हो। तो चलिए शॉट क्लिक करके देखते हैं और चेक करते हैं आपको किस तरह की डिटेलिंग और ओवरऑल शॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल क्लिक करने के लिए आपको सिंपली मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये अल्ट्रा एक्स्ट्रा एचडी का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एचडी ऑप्शन को क्लिक करते हैं और ये मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट मोड में जाके, अब यहाँ पर हम डिटेलिंग चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी अच्छे शॉट्स देखने को मिल जाता है। इवन अगर हम इसे जूम भी करते हैं, यह है दोस्तों 108 मेगापिक्सल सैंपल शॉट आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। सो या ओवरऑल कहूँगा कि यहाँ पर आपको जो 108 मेगापिक्सल सैंपल देखने को मिलता है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। सो इसके लिए एक बिग थम्स अप। अब यहाँ पे दोस्तों कैमरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है पोर्ट्रेट मोड, जो हम सभी लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैमरा में। तो चलिए टेस्ट करते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड किस तरह की क्लिक करता है। तो यहाँ पर हम आते हैं तो ये दोस्तों था पोर्ट्रेट मोड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है। मैं कहूँगा हल्के से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट या ओवरऑल अगर आप स्किन टोन देखोगे पोर्ट्रेट सैंपल में, यहाँ पर अगर आप डिटेलिंग देखोगे, स्किन टोन देखोगे, इवन अगर आप बैकग्राउंड में यहाँ पर बुके इफेक्ट देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर कैमरा टेस्टिंग के लिए आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, अगर आपको इसी तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं, अगर आप इसी तरह के कैमरा रिव्यू इन फ्यूचर देखना चाहते हो, लाइक करो वीडियो को, मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं। अब यहाँ पर हमने फोन में 64 मेगापिक्सल को हमने टेस्ट कर लिया है, यहाँ पर 108 मेगापिक्सल को टेस्ट कर लिया है, साथ में पोर्ट्रेट मोड को भी टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर कुछ क्लोजअप शॉट्स लेके देखते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर क्लोजअप शॉट में किस तरह के फोटोज क्लिक करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने एक फोटो क्लिक किया क्लोजअप शॉट में। नेक्स्ट तो यहाँ पर हमने दो सैंपल क्लिक किए हैं। चलिए अब यहाँ पर इनकी डिटेलिंग चेक करते हैं कि यहाँ पर क्लोजअप शॉट या फिर कह लो मैक्रो शॉट्स यहाँ पर आपको किस तरह के देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर आप पहला सैंपल देख सकते हैं, ये वाइट फ्लावर की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे यहाँ पर क्लोजअप शॉट्स में यहाँ पर आपको फोटोज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा डिटेलिंग ठीक है, काफ़ी अच्छी है, बट यस यहाँ पर ओवरऑल आपको जो कलर रिप्रोडक्शन है, ओवरऑल जो इमेज है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सैंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलर से ओवरऑल इमेज में वो आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल जाते हैं। जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेलिंग भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है अगर यहाँ पर हम क्लोजअप शॉट्स के हिसाब से देखा जाए। यहाँ पर दोस्तों इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है। तो चलिए इसे भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे पिक्चर से क्लिक करता है। सो ये हम गए अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में, यहाँ पर हमने ये फोटो क्लिक किया, ये एक और फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको डायनेमिक रेंज ओवरऑल पिक्चर में देखने को मिलता है वो काफ़ी इंप्रेसिव है ये मैं कहूँगा। और जो वाइड एंगल शॉट है वो भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे यहाँ पे निकल के आते हैं। हाँ हल्की सी जो डिटेलिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है, बट ठीक है यहाँ पर वाइड एंगल शॉट के हिसाब से। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस फोन में 5x हाइब्रिड जूम और 20x डिजिटल जूम दिया गया है, तो यार इसे भी टेस्ट करना तो बनता ही है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं।
तो ये हम यहाँ पर फोटो ले रहे हैं। सबसे पहले हम 5x जूम करके फोटो लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम नॉर्मल फोटो क्लिक करते हैं, ये है नॉर्मल फोटो। अब यहाँ पर हम जूम करते हैं 5x, तो 5x यहाँ पर आपको ये हाइब्रिड जूम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब हम जूम करते हैं 20x। सो ये है दोस्तों 20x जूम। सो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, यह है 20x जूम, यह है 5x जूम, यह है 5x हाइब्रिड जूम, और यह है दोस्तों नॉर्मल फोटो। सो यहाँ पर आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इसका 5x हाइब्रिड जूम और 20x डिजिटल जूम कैसा लगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों इस फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ पर आप इस फोन से 720p 1080p यहाँ पर 60fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यस, यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है 30fps पे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सुपर स्टडी मोड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये इसी फोन के रियर कैमरे से क्लिक रिकॉर्ड की गई है। आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के वीडियोस रिकॉर्ड करता है। साथ में जो दोस्तों जो ऑडियो है वो भी इसी फोन से यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के वीडियोस ओवरऑल रिकॉर्ड करता है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। सो बताना आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डिंग में अच्छी देखने को मिल जाएगी, वो ये है कि यहाँ पर आपको लाइव वीडियो बोके इफेक्ट का फीचर मिल जाता है, जहाँ पर आप बोके इफेक्ट को बैकग्राउंड में ब्लर को वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पर अगर आप वाइड एंगल वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको वाइड एंगल वीडियोज़ भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं दोस्तों इस फोन के सेल्फी कैमरे पर, जो आई थिंक मेरे ख्याल से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है वर्ल्ड का फर्स्ट 44 मेगापिक्सल डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा। चलिए इसे भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। तो चलिए मैं आपको कुछ सैंपल लेके दिखाता हूँ सेल्फी। सबसे पहले हम ये नॉर्मल मोड से पिक्चर क्लिक की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन टोन आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इवन अगर आप जूम भी करते हैं तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। सो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट सैंपल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पोर्ट्रेट मोड से। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये पोर्ट्रेट मोड से क्लिक की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इवन जो एज डिटेक्शन है वो भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता है यहाँ पर। सो ओवरऑल ये यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छे सेल्फीज क्लिक कर लेता है, एंड पर्सनली मुझे इसका सेल्फी कैमरा पसंद आया। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको 44+2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सेल्फी कैमरा जहाँ पर आपको 44+2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अभी अभी दोस्तों फ्रंट से यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप इस फोन से 720p 1080p तक यहाँ पर फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस फोन के फ्रंट कैमरे में यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में लाइव बोके इफेक्ट का फीचर ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। सो यस, डेफिनेटली ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैं कहूँगा। आप देख सकते हो जो वीडियो क्वालिटी है वो मैं कहूँगा यस अच्छी लग रही है फिलहाल तभी फ़ोन में, और जो बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस ओप्पो यहाँ पर क्लेम करता है कि ओप्पो में यहाँ पर आपको अल्ट्रा डार्क मोड दिया गया है, तो चलिए टेस्ट करते हैं कि आखिर कैसा है इसका अल्ट्रा डार्क मोड। तो यहाँ पर हम नाइट मोड पे जाते हैं और सिंपली कुछ फोटोज सैंपल्स क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह के फोटोज क्लिक करता है अल्ट्रा डार्क मोड से। तो ये मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया और हम सैंपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन अगर आप जूम भी करते हो तो लो लाइट के हिसाब से यहाँ पर आपको जो डिटेलिंग है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे में भी आता है यानी नाइट मोड देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल मोड और नाइट मोड में यहाँ पर सेल्फी कैमरे में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फोटो है मैं नॉर्मल मोड से क्लिक कर रहा हूँ, तो ये है नॉर्मल मोड से। अब मैं यहाँ पर सिंपली नाइट मोड पर जाके फोटो क्लिक करता हूँ। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये नॉर्मल मोड से क्लिक की गई है और ये नाइट मोड से। तो देखा कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने कैमरे को टेस्ट किया था आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में और लो लाइट कंडीशन में, और आपको पता चल गया होगा कि लो लाइट कंडीशन और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में इस फोन का जो रियर कैमरा है किस तरह से परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों इंडोर लाइटिंग कंडीशन की, यानी कि आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में इस फोन का रियर कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए अभी आप फिलहाल जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये इस फोन के रियर कैमरे से ही रिकॉर्ड की जा रही है,
इंडोर लाइटिंग कंडीशन में, यानी कि आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ कैमरा सैंपल आपको दिखा देता हूँ, ये इसी फोन के रियर कैमरे से क्लिक की गई है इंडोर लाइटिंग कंडीशन में। आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के फोटोज क्लिक करता है इंडोर लाइटिंग कंडीशन में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मैं कहूँगा यस, इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी यहाँ पे इस फोन का जो कैमरा है वो मैं कहूँगा काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। चाहे बात कर लो यहाँ पर स्किन टोन की, कलर रिप्रोडक्शन की, या फिर ओवरऑल यहाँ पर फोटोज में डिटेलिंग की, ओवरऑल कहूंगा कि यस भैया इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी जो कैमरा है काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और जो सैंपल अभी आप देख रहे हो ये भी इस फोन के रियर कैमरे से ही रिकॉर्ड की जा रही है। सो बस दोस्तों ये था एक कंप्लीट कैमरा रिव्यू ओप्पो रेनो 3 प्रो का और एक रियल लाइफ टेस्टिंग, जहां पे मैंने आपको बता दिया कि इंडोर लाइटिंग कंडीशन, आउटडोर लाइटिंग कंडीशन और डे लाइट कंडीशन या फिर कह लो लो लाइट कंडीशन में कैमरा किस तरह से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ओवरऑल कहूंगा कि यस ओप्पो ने यहाँ पर कैमरे में काफी अच्छा काम किया है। नो डाउट जो कैमरा है एक्चुअली में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, स्पेशली यहाँ पर 64 मेगापिक्सल सैंपल और 108 मेगापिक्सल सैंपल। सो बस आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा लगा आपको ओप्पो रेनो 3 प्रो का कैमरा। बस मिलता हूं मैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।